फिश की रेसिपी जो कि बहुत ही मजे की और क्रिस्पी से तैयार होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी आने वाली हर मजे मजे की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्राई फिश के लिए मैंने 1 kg फिश ले ली है, 1 tablespoon मैंने चिली फ्लेक्स लिया, 1 tablespoon मैंने फिश मसाला लिया है और 1/2 tablespoon के बराबर मैंने हल्दी ले ली है, थोड़ा सा मैंने जीरा ले लिया है और कुछ धनिया ले लिया है। तो चलिए अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जीरे और कुछ धनियों को मोटा मोटा सा दड़दड़ा सा पीस लेंगे। इस तरह से हमने कुछ धनिया और जीरे को मोटा मोटा सा दड़दड़ा सा कर लिया है। अब हम फिश लेंगे, फिश के ऊपर अपना खुश्क धनिया और जीरा इस तरह से डाल देंगे। अब हम इसमें ग्रीन चिली इसमें मोटी मोटी पीस कर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, फिश मसाला ऐड करेंगे। और हल्दी भी ऐड कर देंगे। इन सब चीजों को ऐड करके हमने इसको फिश के ऊपर अच्छी तरह से लगा लेना है। इस तरह से हमने हल्का हल्का सा सारा मसाला फिश के ऊपर मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 1 lemon juice ऐड करेंगे। इस तरह से हमने सारा मसाला फिश के ऊपर लगा लिया है। अब कम से कम 8 घंटे के लिए हमने इसको फ्रिज में रख लेना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फिश क्रिस्पी और बहुत ही मजे की फ्राई हो तो आपने इसको कम से कम 8 घंटे या उससे ज्यादा भी फ्रीज कर सकते हैं ताकि इसके ऊपर जो हमने मैरिनेशन किया है वो इसमें अच्छी तरह से जजब हो जाए। इधर हमने जो अपनी फिश के ऊपर मैरिनेशन की थी तो हमने उसको 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रखा था। तब देखें हमारी फिश की मैरिनेशन बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। जो हमने इसके ऊपर अपनी अपने मसाले लगाए थे वो इसके ऊपर पूरी तरह से जज़ब हो चुके हैं। तो 1 bowl में मैंने बेसन ले लिया है, 1 cup के बराबर मैंने बेसन लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी। फूड कलर ऐड करके इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स करके हमने अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी बनाना है, इसका एक मिक्सचर तैयार कर लेना है। हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के आपने इसका एक मिक्सचर बना लेना है। इस तरह से हमने मिक्सचर तैयार कर लिया है। अब हम 1 by 1 करके इस तरह से फिश के पीस अंदर ऐड करेंगे और उनको बेसन लगा लेंगे। इस तरह से आपने इसके ऊपर सारा बेसन लगा लेना है अच्छी तरीके से। अब हम इसको गरम ऑयल में ऐड करेंगे। इधर मैंने एक पैन रखा हुआ था, उसमें ऑयल ऐड किया था, ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया था। अब मैं इसमें फिश का पीस ऐड करूंगी। इसी तरह से आपने 1 by 1 करके अपने सारे फिश के पीस को बेसन लगा लेना है। इस तरह से अच्छी तरह से बेसन लगा लेना और इसको गरम ऑयल में ऐड कर देना। आपने बिल्कुल हल्की आंच पर इनको फ्राई करना है। इस तरह से आपने लाइट गोल्डन कलर का इनको फ्राई कर लेना है। तो इधर हमारी फ्राई फिश अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।